आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में अदीला नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अदीला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अदीला के माने क्या है? अदीला नाम का मतलब क्या है? अदीला में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अदीला इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अदीला हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अदीला उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अदीला उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अदीला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अदीला के माने और अदीला नाम का मतलब है इंसाफ करने वाली, मुनसिफ, जज, आदिला, इंसाफ पसंद। अदीला में 5 हरूफ हैं, ऐन, दाल, ये, लाम, हे। ये इंग्लिश में अदीला लिखा हुआ है, ये हिंदी में अदीला लिखा हुआ है। अदीला उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ इन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अदीला लिखना है तो सबसे पहले ऐन को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अदीला लिखा हुआ नज़र आएगा। अदीला लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। अदीला लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, ऐन। नंबर 2, दाल। नंबर 3, ये। नंबर 4, लाम। नंबर 5, हे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ऐन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाएंगे और कुछ लेटर फुल लिखे जाते हैं। तो जैसे ऐन, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, दाल की शक्ल थोड़ी इस तरह से हो जाएगी, और ये इस तरह से लिखेंगे, और लाम ये इस तरह से लिखेंगे, और हे इस तरह से लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा, ऐन, ऐसी में जोड़ दिया ये दाल, और ये क्या लिखा, ये, ऐसी में जोड़ दिया लाम, और फिर इसी में जोड़ दिया हे,
तो ये क्या हो गया, अदील। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।